क्वेश्चन नंबर वन, इसमें हमें कह रहे हैं कि हमें ये जो मैट्रिसेस गिवन है उनका ऑर्डर फाइंड आउट करना है. तो ऑर्डर हमारे पास क्या होता है? ऑर्डर का फॉर्मूला होता है ऑर्डर इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, तो ये हम फॉर्मूला लगाते हैं जब हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना होता है. तो ये नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स किसी भी मैट्रिक्स में जो है वो हमें स्पेसिफाई करते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है. तो अगर हम इस ए मैट्रिक्स को सिर्फ देखें तो हमें अगर दिख रहा है कि ये जो है इनको हम कहते हैं रोज, ठीक है, और ये जो हमारे पास होती है इनको कहते हैं कॉलम्स. अगर हम देखें तो हमारे पास ए मैट्रिक्स में दो रोज हैं दो कॉलम्स, तो मैं क्या बोलूँगी, ए मैट्रिक्स में मेरे पास ऑर्डर क्या है, 2 by 2 का, यानी कि दो रोज हैं हमारे पास और दो कॉलम्स. हमेशा याद रखना ऑर्डर का फॉर्मूला ये होता है, पहले रोज आती हैं देन कॉलम्स. ठीक है, अब आते हैं हम अपने बी पर. तो बी में भी अगर देखें हम तो यहाँ भी दो रोज हैं और यानी ये दोनों रोज हैं और ये जो है हमारे पास कॉलम्स हैं. तो बी का ऑर्डर क्या होगा, बीज ऑर्डर होगा हमारे पास 2 by 2, ये भी यानी दो रोज थे हमारे पास एंड दो कॉलम्स. अब सी पर आए तो हमें दिखेगा कि हमारे पास क्या है, सिर्फ एक रो है क्योंकि नीचे कोई रो नहीं है. और कॉलम्स कितने हैं, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये 4 वाला है. ठीक है, तो हमारे पास सी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सी का ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ रोज कितने, नंबर ऑफ रोज एक ही है तो हम कहेंगे 1 by 2, यानी कि एक रो है हमारे पास और दो ये जो है कॉलम है. ठीक है, डी पर आते हैं तो डी का ऑर्डर क्या है हमारे बस, डी का ऑर्डर अगर देखें तो यहाँ पे हमें एक रो दूसरी रो और ये तीसरी रो नज़र आ रही है, लेकिन कॉलम कितने हैं, कॉलम एक ही है. तो यानी कि नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज हो जाएगा 3 multiply by 1, क्योंकि कॉलम अगर हम देखें हमारे पास एक ही है. ठीक है, रोज जो है 4 वाली रो है, एक 0 वाली रो है और 6 वाली रो है. ई पर आते हैं तो ई पर हमें क्या दिख रहा है, ई की ऑर्डर जो है, ई का ऑर्डर नंबर ऑफ रोज कितने, ए डी वाली एक रो है, बी ई वाली रो है और सी एफ वाली रो है. नंबर ऑफ रोज कितने होगा हमारे पास, 3 होगा, 3 by. अब नंबर ऑफ कॉलम्स देख रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम एक ये है ए बी सी वाली एंड देन दूसरी ये है डी ई एफ वाली, यानी कि 3 by 2 का ऑर्डर बना है ई मैट्रिक्स में. ठीक है, एफ में देखें तो एफ में हमारे पास एक ही रो है और एक ही कॉलम है, यानी कि एक रो है 2 वाली और एक ही कॉलम है 2 वाली. तो एफ का ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास 1 by 1, एक रो और एक कॉलम है. इसी तरह जी पर आते हैं हम तो हमें जी नज़र आ रही है, 1 2 3 0 वाली रो है, 1 2 3 वाली रो है, 1 2 4 5 वाली रो है. तो यानी कि जी का ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, जी के लिए ऑर्डर हो जाएगा 3 रोज है हमारे पास. ठीक है, 1 2 3 और हमारे पास कॉलम कितने, 1 2 और 3 कॉलम भी 3 है, यानी कि ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 by 3 का ऑर्डर. ठीक है, एच पर आए तो हमें पता चल रहा है 2 3 4 वाली एक रो है, 1 0 6 वाली एक और रो है. तो हम क्या कहेंगे, एच का ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, एच ऑर्डर हो जाएगा, रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज 2 हैं. ठीक है, एक ये रो है और दूसरी ये रो है, तो यानी 2 by. और कॉलम कितने, कॉलम 3 है. अगर कॉलम देखें, एक 2 1 वाला कॉलम है, एक 3 0 वाला और एक 4 6 वाला, यानी कि 2 by 3 का ऑर्डर बनेगा. तो ये हो जाएगा हमारा आंसर.